Welcome to Study Asan, the path to success. Today we will have a quick look at the changes made in the political structure of Uttarakhand state with a special reference to the changes in divisions of Uttarakhand. उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है जो कि हिमालय के मध्यवर्ती भाग का अंचल है, जिसे हम मिडिल हिमालयाज भी कहते हैं। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, जिसे 9 नवंबर सन 2000 में एक पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 2007 तक इसे उत्तरांचल नाम से जाना जाता था और 2007 के बाद इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। सन 2000 में इसके गठन से लेकर अब तक उत्तराखंड के राजनीतिक स्वरूप में काफ़ी बदलाव लाए गए हैं, जिसमें अभी सबसे इम्पॉर्टेंट और चर्चित बदलाव जो है वो है तीसरे नए मंडल यानी डिवीजन का गठन, जो है गैरसैंण डिवीजन। आपको मालूम है कि पहले उत्तराखंड के दो ही डिवीजन थे, कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन। अब तीसरा मंडल गठित किया गया है त्रिवेंद्र सरकार द्वारा, जो कि है गैरसैंण डिवीजन। सबसे पहले देखते हैं कुमाऊं मंडल यानी कि कुमाऊं डिवीजन, इसकी स्थापना कब हुई थी। कुमाऊं डिवीजन ईयर 1854 में एस्टेब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। अब बात करते हैं गढ़वाल मंडल की कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। गढ़वाल मंडल ईयर 1969 में एस्टेब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय पौड़ी में है। तीसरे नए मंडल यानी कि गैरसैंण को 4 मार्च 2021 अभी रिसेंटली ही एस्टेब्लिश किया गया है। इसमें गढ़वाल मंडल के दो जिले और कुमाऊं मंडल के दो जिले शामिल कर दिए गए हैं। गढ़वाल मंडल से चमोली और रुद्रप्रयाग और कुमाऊं मंडल से अल्मोड़ा और बागेश्वर को शामिल किया गया है। कुमाऊं डिवीजन और गढ़वाल डिवीजन की तरह ही गैरसैंण डिवीजन में भी एक कमिश्नर और एक डीआईजी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इस विषय पर अभी भी चर्चाएं जारी हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए www.studyasan.com पर। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू।